होली या होहल्लड़ या हम ये कहें कि फागुन महोत्सव, आज हम इसका पता लगाएंगे कि ये जो होली शब्द है ये कैसे बना और कहाँ से आया और कैसे इसकी मान्यता हुई। फागुन के महीने के अंदर जो पूर्णमासी आती है उस पूर्णमासी को होली मनाई जाती है, एक दिन पहले और एक दिन बाद तक। मगर जो बुद्ध साहित्य है उसके अंदर जो त्रिपिटक है, त्रिपिटक में जो धम्मपद है, धम्मपद के अंदर यमक वक के बाद जो आता है अपमादेन वक, यानी अपमाद वग, अपमाद का मतलब होता है अप्रमाद, यानी प्रमाद नहीं करने वाला वर्ग। उसके अंदर जो छठी और सातवीं कहानी है, जो धम्मपद है 26वां और 27वां, उसमें कथा में जो कहानी है उसके अनुसार ये बात बताई जाती है कि लगभग उन दिनों सावित्री के अंदर 7 दिन तक एक उत्सव चलता है जिसमें धूल उड़ाई जाती है या धूल की तरह ही जो पदार्थ हैं वो उड़ाए जाते हैं और वहाँ के सारे लोग बड़े मदमस्त हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा, जिनको कहते हैं बौरा गया या पागल से हो गए या पागलों जैसी हरकत करते हैं। तो भिक्कू जो वहाँ निवास करते हैं पास में बुद्ध विहार में, वहाँ के जो अच्छे लोग हैं, जो भद्र लोग हैं, जो बहुत जिनको देवता कहा जाता है, वो लोग वहाँ जाके भिक्कू से प्रार्थना करते हैं कि भिक्कू यहाँ 7 दिन तक लोग उधम मचाएंगे, हुड़दंग मचाएंगे, इसलिए आप 7 दिन तक यहाँ नहीं आना, हम आपको भोजन की व्यवस्था वहीं कर देंगे। ये जो फग्गु शब्द है, फग्गु शब्द से फग्गुण बना है और फग्गुण से फागुन माह बना है। इस फग्गु का मतलब होता है निराहार रहना या बिना खाने के रहना, यानी कि आप साधना विपसना या मेडिटेशन में जब बैठते हैं तो कम खाना खाते हैं, इसलिए फग्गु मास यानी जो फागुन है उसका एक खास नियम यह माना जाता है। ये जो हुड़दंग वाला काम है ये बुद्ध के समय से पहले का काम है, क्योंकि ये जो मदमस्त वाला या जो इस तरह की एक्टिविटीज़ लोग कर रहे हैं और 7 दिन तक वहाँ हुड़दंग मचा रहे हैं, उस हुड़दंग में 2 शब्द निकल के आते हैं। एक आता है धूली, धूली का मतलब होता है पाली में धूल, और एक आता है लड्डू, लड्डू का मतलब होता है जो लड्डू आप सब समझते हैं, लड्डू लड्डू से बना हुआ है, यानी मिट्टी का ढेला, मिट्टी का ढेला हो गया या मोती चूर के लड्डू हो गए, लड्डू हो गए तो मोती चूर के लड्डू यानी ढेला हो गया। इन दोनों शब्दों से मिलके बनता है धुलैंडी, यानी धूली और लड्डू से धुलैंडी, और ये बाद में धुलैंडी हो गया। धुलैंडी का मतलब होता है धूल से और धूल के ढेले से खेलना या उसका क्रियाकलाप। मगर उससे भी पहले एक शब्द पाली में आता है जिसको बोलते हैं होला। होला जो शब्द है, होला आज जो पुराने लोग हैं वो सब जानते हैं कि जो चने की फसल होती है और चने का पेड़ अगर हम उठा लाएं और उसमें कच्चा चना होता है तो उसको होला बोलते हैं, और होला को इन दिनों छोटी छोटी आग जला के उसको सेक के या गर्म करके खाया जाता है, और साथ ही साथ जौ को भी देखा जाता है कि जौ कैसी बनी है। और अब तो गेहूं आ गया, पहले गेहूं नहीं था, अब गेहूं भी आ गया। गेहूं के अंदर हम ये देखते हैं कि बाली में कितने दाने पके, कितने मोटे, और उसको भून के खाते हैं, छोटी छोटी आग जलाते हैं। और एक होता है हेला शब्द, हेला का मतलब होता है कि जहाँ मदमस्तों की टोली होती है, जहाँ मद में और जहाँ सेडेक्टिव लोग होते हैं, जहाँ क्या बोलते हैं बोराए हुए लोग होते हैं, उन लोगों की अगर कोई टोली होती है और वो उस तरह का खेल खेलते हैं तो उसको हेला बोलते हैं, ऐसा पाली के अंदर स्पष्ट रूप से दिया जाता है। अब बात स्पष्ट हो जाती है कि फागुन के महीने में एक खास चीज़ होने वाली है। खास चीज़ क्या होने वाली है, अगर आपने रक्षा बंधन सुत्तंग, यानी जो रक्षा बंधन सुत्तंग वाली अगर आपने पहली रक्षाबंधन पर जो हमने वीडियो बनाई थी अगर वो आपने देखी हो या उसे आप देख लें, तो उसमें एक खास बात थी कि सावन के महीने में, जब चैत के महीने में, बैसाख के महीने में भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण होता है, तो बैसाख के 7 दिन बाद ही एक सुभद्रक नाम के जो नए भिक्खु बने होते हैं वो ये कहते हैं कि अब हमें श्रवण गौतम की यानी कि भगवान बुद्ध की अब जरूरत नहीं है, वो हमें बड़ा रोका करते थे ऐसा कीजिए वैसा मत कीजिए, अब हमारा जो मनाएगा वो हम करेंगे। इसको लेके भिक्खु में बड़ी चिंता हुई और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सभा रखी, यानी पहली जो धम्म सभा थी, धम्म संसद थी या धम्म की असेंबली या धम्म की काउंसिल थी, वो वहाँ रखी गई और उसको सावन के महीने में पूर्णमासी को रखा गया, इसलिए उसको रक्षा सूतंग दिवसंग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ जो सूत हैं उनकी रक्षा के लिए, उनको बंधन करने के लिए, उनको गांठ बांधने के लिए, ग्रंथ बनाने के लिए वहाँ सभा हुई, और वो सभा 500 अरत भिक्खुओं की हुई और 7 महीने तक चली। 7 महीने जो खत्म होते हैं वो फागुन की पूर्णमासी को खत्म होते हैं, क्योंकि फागुन की पूर्णमासी को वो 7 पूरे होते हैं, इसलिए
आम प्रचलन है कि गोबर के बने हुए जो धम चक्र होते हैं और उसमें जो छोटे 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 गोबर की टिप्स बनाई जाती हैं, जो कि दिवाली पे गौतम धम दिवस, जिसको बाद में गौतम धम से गौतम धन बनाया और गौतम धन से गोधन बनाया और गोधन से गोवर्धन बना दिया और गोवर्धन बना के उसको एक पुतला सा जो बनाते हैं वो बनाया, वहां उसकी नींव रखी जाती है और उसको 7 महीने बाद वो माला में परो के उसको वहां आग जलाते हैं और आग जला के भूनते हैं। ये एक सिंबल हो सकता है कि माला पूरी हो गई, इसका मतलब ग्रंथ में यानी गांठ लग गई और धम्मपद पूरा हो गया और जितना भी त्रिपिटक है वो पूरा हो गया। इसका एक धम्मपद महोत्सव मनाते हैं जो बेंगलोर के अंदर महाबोधि सोसाइटी है, वो पिछले बहुत सारे सालों से वहाँ धम्मपद का उत्सव मनाते हैं। चूंकि त्रिपिटक पूरा हुआ था इसलिए वो त्रिपिटक का उत्सव भी वहाँ मनता है। तो एक बड़ी कमाल की और खुशखबरी की बात है कि इस दिन आपका त्रिपिटक पूरा का पूरा बंद गया और हो गया, उसकी एक खुशी है। मगर इस खुशी के साथ साथ में एक दुख की बात ये भी है कि इस धुलेंडी यानी जो धूल वाले गुब्बार वाले जो मदमस्त जो लोग थे उनके इस तरह के क्रियाकलाप से जो उनके शत्रु हैं या जो शत्रु बने या जो बाहर से आगे लोग शत्रुता जिन्होंने निभाई, उन्होंने बहुत सारे लोगों को हताहत किया, बहुत सारे लोगों को ख़त्म किया। ऐसी एक कहानी जो आपने सुनी होगी वो हिरण्यकश्यप की, प्रह्लाद की और होलिका की है। इसे होलिका का संबंध भी माना जाता है क्योंकि होलिका जो थी वो बहुत बहादुर स्त्री थी, मूल निवासी थी और उसको बलात्कार करके मारा गया और वो जो आग जला जला के जो होला सेकते थे उन्होंने आग बड़ी करके और उसको उसमें जला दिया, ऐसी कहानी चलती है। ऐसा माना जाता है कि इस हुड़दंग में, इस होली के हुड़दंग में या जो हेला का मदमस्त युवकों का जो संगठन होता है जिसमें नशा पानी पत्ता भांग चरस गांजा अफीम जो कुछ भी वो इस्तेमाल करते हैं उसमें उनकी बुद्धि का ह्रास हो जाता है और वहाँ बहुत सारी जो निगेटिव चीज़ें हैं और जो बहुत सारी ऐसी दौरमनस्य वाली या जो अकुशल कार्य हैं वहाँ होते हैं और इसका लोगों को हताहत होकर बड़ा नुकसान भारी होता है। भगवान बुद्ध के संज्ञान में जब ये बात गई कि यहाँ सावित्री के अंदर 7 दिन तक ये हुड़दंग मचेगा और इस तरह से लोग वहाँ हुड़दंग मचाते हैं, तो उन्होंने अपनी गाथा कही जो 26वीं 27वीं धम्मपद के अंदर है। उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो अपने आपकी और अपने धन की रक्षा करते हैं और जो बुद्धिमान बाल बुद्धि लोग होते हैं, बुद्धिमान नहीं होते हैं, वो मदमस्त होते हैं और प्रमाद में पड़े रहते हैं, अपना जीवन व्यस्त करते हैं, औरों का जीवन भी वो नुकसानदायक करते हैं और वो प्रकृति के लिए हानिकारक हैं। वैसे इस पूरे के पूरे उसमें जो होली का नाम आता है या हिरण्यकश्यप नाम आता है, हिरण्यकश्यप को हिरई कश्यप बोलते हैं, हिरई कश्यप पाली का नाम है और होली का भी पाली का नाम है। होली का पाली का नाम इसलिए है क्योंकि बाद में जो आ का डंडा लगता है उस आ के डंडे में भारत में पाली भाषा में महिलाओं के अधिकतर नाम हैं, जैसे विशाखा है, मिगार माता है, सामा है, महामाया है, खेमा है, पटाचारा है, धम्मदीना है, उपलवर्णा है, नंदा, सोना, सकुला, कुंडल केसा, कच्चाना, सुजाता, खुजुत्रा, नंदमाता, कोलियदुहिता, सुप्पिया, कुरधरिका, और आपने देखे होंगे जो नाम होते हैं अनीता, सुनीता, ममता, लता, ये सारे सारे नाम बाद में आ वाले होते हैं, ई वाले नाम भी होते हैं मगर वो बहुत पाली के अंदर बहुत कम होते हैं। तो होली का जो नाम है वो हमारे ही जो भारत की मूल निवासी महिला है उसका नाम, जो पाली की उस समय रही होगी, पाली की जानकार रही होंगी या पाली परिवार से आती होंगी, जो बुद्ध के परिवार से आती होंगी, उनका ये माना जाता है और बहुत बहादुर भी रही होंगी क्योंकि उनकी चर्चा आज तक लोग भूले नहीं हैं। इसलिए अधिकतर जगह उन जो लोग थे जो इस अत्याचारों को लड़ नहीं पाए, उनके औरतें उनको डंडे से पीटती हैं, उनको मारती हैं और उनके चेहरे पर तिलक लगाती हैं जिसको अबीर बोलते हैं। अबीर का मतलब है कि जो वीर नाना हो, यानी कि वो ये बात बताती हैं कि तुम कायर लोग हो, तुमने होने कैसे दिया इस बात को, तुमने इस बात का कैसे करके तुमने इसका जो भी कुछ बाद में करना चाहिए था वो नहीं किया, तो वो अबीर भी लगाते हैं। ये प्रचलन गुलाब का या अबीर का या इस तरह के हुड़दंग का पुराने पाली के इतिहास में नहीं मिलता और होली नाम कहीं नहीं मिलता। तो ये माना जा सकता है कि हेला और होला से होलिका और होलिका से ये का खत्म हो गया, खाली होली रह गया और जो पुराना हमारा फसल का उत्सव था जिसमें हम फसल भून के खाते थे, क्योंकि भारत में अधिकतर जो उत्सव हैं वो फलों के उत्सव हैं, फसलों के उत्सव हैं, फसल बोने का उत्सव है, काटने का है, उसमें दाना पड़ने का है, फसल आने का उत्सव है, फसल को रखने का उत्सव है, सारे के सारे जितने भी उत्सव हैं भारत में पुराने प्राचीन वो फसलों से आधारित हैं, इसलिए ये भी फसल से आधारित ही उत्सव है। इसमें आप अपना चना देखते हैं कि आपके चने की क्या स्थिति है, आप इसमें अपना याब देखते हैं, याब का मतलब जौ देखते हैं कि आपका याब कैसा है, आप इसमें आजकल गेहूं देखते हैं कि गेहूं इसमें कैसा पड़ा हुआ है। ये सारे के सारे फसलों के उत्सव हैं, खुशी के हैं, मगर भगवान बुद्ध ने स्पष्ट कहा है कि आपको ऐसे जो पमत वाले
प्रमाद वाले जो उत्सव हैं उनसे बचना चाहिए। प्रमाद मनुष्य को बुराइयों की तरफ लेके जाता है, हमें बुराइयों में नहीं जाना चाहिए। अतः ऐसे काम ना होने चाहिए जिससे कि आपका धन की हानि हो, आपके शरीर की हानि हो, आपकी आँख खराब हो सकती है कलर से, आपकी स्किन खराब हो सकती है, किसी का नुकसान हो सकता है, इस बहाने टोली बना के कोई आए जो मुँह छिपा के आए वो आपके घर चोरी कर सकती है, आपको हताहत कर सकती है, आपको मार सकती है, आपको घायल कर सकती है, किसी के कपड़े खराब हो सकते हैं, एक दुश्मनी बन सकती है, जबरदस्ती किसी को रंग लगाएंगे जीवन भर का एक दोस्त बन जाएगा। तो इन बातों से बचें। और बहुत अगर आपको लगता है कि ये फेस्टिवल अगर है उसको मनाना चाहिए तो आप पुरानी बात है चना लेके आइए उसको भून के खाइए। और अब चूंकि चने बहुत दूर हो गए खेत से तो आप अपने घर में रहिए और घर में रह के कुछ अच्छी बातें सीखिए, कुछ पढ़ाई लिखाई कीजिए, कुछ अच्छा खाना बनाइए, अच्छा खाना रखिए और वो इतिहास ढूंढिए जिस इतिहास के तहत में ये शब्द आते हैं और जाते हैं। धन्यवाद।